Welcome, dear friends. In this video, we will discuss daily current affairs MCQs of 30th May 2023. So let's start. Question is: Which country launched its biggest ever drone attack on Moscow on May 30, 2023, but had all eight of its drones destroyed by air defenses according to Russia? रशिया ने एक मुल्क के बारे में क्लेम किया है कि 30 मई 2023 को इस मुल्क ने अपना बिगेस्ट एवर ड्रोन अटैक किया है मास्को पे मतलब आठ ड्रोन्स छोड़े थे मास्को पे लेकिन रशिया के एयर डिफेंस ने इन सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया है और इन्होंने रशिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है तो ये कौन सा मुल्क है द करेक्ट ऑप्शन दिन यूक्राइन और यूक्राइन का ऑफिशियल स्टेटमेंट रशिया के इस क्लेम के बारे में ये है कि हमने ऐसा कोई अटैक नहीं किया है नेक्स्ट इज़

चाइना ने रिसेंटली किस बंदे को भेजा है मई थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को क्रू के साथ स्टेशन को द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज सिविलियन इससे पहले कभी भी कोई सिविलियन स्टेशन पर नहीं गया है ये पहला सिविलियन होगा कि स्पेस स्टेशन पर पे चला जाएगा इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाइना का प्लान है कि 2030 में वो मून पे मैन लैंडिंग कर दे मतलब इंसान को एक दफा पे मून पे भेज दे चाइना खुद अपना कोई भेज दे तो इसी सिलसिले में जो तिया स्टेशन में जो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और वहां पर अपने लोगों को भेज रहे हैं, तो ये उसी प्लान का हिस्सा है by five in the final? आपको पता होगा आई पी एल या इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया का सबसे बड़ा लीग है क्रिकेट का उनतीस मई 2023 को आई पी के जो 2023 का एडिशन है उसका फाइनल हुआ इस फाइनल में किस टीम ने गुजरात टाइटन्स को हरा के आई का टाइटल जीत लिया है द करेक्ट ऑप्शन इज चेन्नई सुपर किंग्स नेक्स्ट इज विच डेट इज रिकॉग्नाइज एज द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द मेन एंड वुमेन हैव एंड कंटिन्यू टू सर्व इन हैीस कीपिंग ऑपरेशन किस दिन को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है और इसका मकसद ये है कि जो मेन और वमेन जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशन में सर्व किया है कि उसको डेडिकेट दिया जाए और उनको खराज तहसीन पेश किया जाए द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ मई ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट इज़ हु हैज़ इमरान सेंड अरुपीज़ टेन बिलियन डिफेमेशन नोटस टू एंड सी किंग एंड अनकंडिशनल अपॉलोजी इमरान खान ने किस शख्सियत को दस अरब रुपये का डिफेमेशन नोटस भेजा है और उसके मुतालबा किया है कि वो अनकंडिशनल अपॉलोजी करे या उन्हें मुआफ़ी मांगे द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज अब्दुलर पटेल जो कि पाकिस्तान का हेल्थ मिनिस्टर है इन्होंने रिसेंटली इमरान खान के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि इमरान खान मेंटली अनस्टेबल है और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जब जेल में इमरान खान के जो पेशाब है उसमें टेस्ट वगैरह कराए गए तो उससे ये पता चला कि वो कोकेन और अफीम यूज़ करता है तो इमरान खान ने अब इसकी वजह से उसको एक डिफेमेशन नोटिस भेजा हुआ है नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जॉइंटली पब्लिश बाई द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यू विच डिजिंग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने रिसेंटली एक जॉइंटली रिपोर्ट पब्लिश की है इसमें उन्होंने मुख्तिक क्लासीफिकेशन की है मुख्तलिफ़ मुल्कों की फूड एंड सिक्योरिटी के लिहाज से तो इस क्लासीफिकेशन में पाकिस्तान को कौन सी डिजिग्नेशन हासिल हुई है द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ वेरी हाई कंसर्न पाकिस्तान को ऐसे स्पार्ट में या ऐसे क्लास में रखा गया है या उन कंट्रीज़ में रखा गया है जो कि द कंट्रीज़ ऑफ वेरी हाई कंसर्न है फूड इन की वजह से और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी डिटीरियोरेट हो गई है और इन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दो तक पाकिस्तान ने तकरीबा सेवेंटी बिलियन डॉलर लोन्स जो है वो रिपेयर करने हैं जबकि पाकिस्तान की इकानमी इस वक्त तकरीबन कोई तीन सौ पचास अरब डॉलर है तो इस तरह की इकानमी के लिए इतना बड़ा अमाउंट कर्ज़ में पे करना बहुत ही मुश्किल है और इसी वजह से इट इज़ अ कंट्री ऑफ वेरी हाई कंसर्न वेन इट कम्स टू फूड एंड सिक्योरिटी हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम स्टेबलिस्ट